दोस्तों, एस्टेरॉइड्स का खतरा तो हमारी पृथ्वी पर हमेशा ही मंडराता रहता है, और कोई बड़ा सा एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी से टकरा जाए तो हमारी पृथ्वी का एक चौथाई हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो सकता है। दोस्तों, ऐसा ही एक एस्टेरॉइड है जो कि हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। करीब 1 किलोमीटर चौड़ा विशाल का ये एस्टेरॉइड 47,000 किलोमीटर की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ आ रहा है, और इस खतरनाक एस्टेरॉइड को लेकर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा चिंता में है। ये विशाल का ये एस्टेरॉयड 18 जनवरी को पृथ्वी के बेहद ही पास से गुजरेगा, और चिंता इस बात की है कि अगर एस्टेरॉयड की दिशा में परिवर्तन होता है तो ये पृथ्वी पर गिर सकता है। दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि करीब 3,451 फीट का एस्टेरॉयड 18 जनवरी को पृथ्वी के सबसे ज्यादा करीब से गुजरने वाला है। नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज के अनुसार यह एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी के 12 लाख मील के भीतर से गुजरेगा, और इस एस्टेरॉयड की रफ्तार 47,344 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। नासा ने इस एस्टेरॉयड को उन संभावित एस्टेरॉयड की सूची में रखा है जिनके पृथ्वी से टकराने की आशंका जताई गई है। इस एस्टेरॉयड को 7482 या 1994 PC1 के रूप में जाना जाता है, और इसे नासा के अनुसार 1994 में खोजा गया था। दोस्तों, नासा ने सबसे पहले 1994 में इस एस्टेरॉयड की तलाश की थी, और किसी भी वैज्ञानिक को इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि यह पृथ्वी के लिए खतरनाक हो सकता है। पिछले 200 सालों में पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक आने वाला ये एस्टेरॉयड है, और मंगलवार 18 जनवरी को शाम 4:51 पर ये पृथ्वी के ठीक बगल से गुजरेगा। पृथ्वी के नजदीक से गुजरने वाले एस्टेरॉयड के पृथ्वी पर गिरने की संभावना इसलिए काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पहली बात तो ये कि अगर एस्टेरॉयड अपनी दिशा में परिवर्तन करता है तो पृथ्वी के लिए खतरा होगा, और दूसरी बात ये कि अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण एस्टेरॉयड को खींचता है तो भी यह पृथ्वी पर गिर सकता है। दोस्तों, CNN की रिपोर्ट के मुताबिक 18 जनवरी को पृथ्वी के बगल से गुजरने वाला ये एस्टेरॉयड विशाल तो है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा एस्टेरॉयड नहीं है। दोस्तों, एस्टेरॉयड 1994 PC1 को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकेगा, बल्कि एक छोटी दूरबीन के साथ शौकिया खगोलविद बेहद आसानी से इस एस्टेरॉयड को देख सकते हैं। आपको बता दें कि ऐसे दर्जनों एस्टेरॉयड हैं जिनके आने वाले वक्त में पृथ्वी से टकराने की काफी आशंका है, और ऐसे एस्टेरॉयड को अंतरिक्ष में ही मार गिराने की टेक्नोलॉजी पर नासा काम कर रही है, और नासा का डार्ट मिशन इसी को लेकर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी वीडियोज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डेली डोज PK को सब्सक्राइब करें।